कल तक अपना हो गया था, आपको ये बता दिया था ना कौन से टाइम पे कौन सा चैनल ओपन रहेगा, कौन सा चैनल क्लोज रहेगा। तो सबसे पहले अगर कोई सेल रेस्टिंग फेज में है, आस्था रेस्टिंग फेज वाली सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। के प्लस चैनल का क्या हाल होगा उस टाइम पे? के लीकी के प्लस चैनल ओपन रहेंगे, है ना, वो ऑलवेज ओपन रहेंगे। और लिगेंड गेटेड एन ए प्लस चैनल क्लोज रहेंगे, और वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल वो भी क्लोज रहेंगे, है ना। तो केवल लीकी के प्लस चैनल क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। फिर जब कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा तो लिगेंड गेटेड एन ए प्लस चैनल हो जाएंगे ओपन, और लीकी के प्लस चैनल ओपन रहती हैं वो तो, और वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल अभी क्लोज हैं वो, लेकिन जैसे ही लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होंगे तो वो उसको भी क्या कर देगा, वोल्टेज गेटेड को, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो -70 से कितना पहुंच जाएगा? -55 तक पहुंच जाएगा, और -55 मिली वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल ओपन हो जाएंगे। तो सेल अभी हाइपर पोलराइजेशन में जा रही है, डीपोलराइजेशन में जा रही है। और जब भी आपको सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट करना होगा तो उस टाइम पर डीपोलराइजेशन करोगे या हाइपर पोलराइजेशन करोगे? फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अगर फर्स्ट स्टेप डीपोलराइजेशन की बजाय हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो सेल आगे सिग्नल ट्रांसमिट करेगी या वहीं इनबिट हो जाएगा? इनबिट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमने सेल के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर रखे हुए हैं, एक तो होता है आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, दूसरा होता है मेटावोट्रॉपिक रिसेप्टर। आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर नॉर्मली एन ए प्लस चैनल होते हैं और मेटावोट्रॉपिक रिसेप्टर के प्लस चैनल होते हैं। तो अगर एन ए प्लस चैनल ओपन होगा तब तो एन ए प्लस अंदर आएगा जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, और अगर के प्लस चैनल शुरुआत में ओपन हो गया तो के प्लस बाहर चला जाएगा जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सिग्नल आगे भेजना है या नहीं भेजना है, अपने पास में बहुत टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, कुछ एक्साइटेटरी टाइप के होते हैं, कुछ इनहिबिटरी टाइप के होते हैं, कुछ दोनों ही काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो अपने कौन से रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगे। तो जैसे आपको बताया था एसिटिल कोलिन, जो आप नाम शुरू से सुनते हुए आ रहे हो, एसिटिल कोलिन इनहिबिटरी होता है या एक्साइटेटरी होगा? दोनों काम कर सकता है ना, डिपेंड करेगा कि ये अपने निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है या मस्कारिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है। अगर निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तब तो सिग्नल एक्साइटेटरी होगा, और अगर मस्कारिनिक पर बाइंड करेगा तो इनहिबिटरी टाइप का होगा। ऐसे ही ग्लाइसिन और गाबा कैसे होते हैं, ये इनहिबिटरी टाइप के। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एक्साइटेड टाइप के। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है, बाकी ऐसा नहीं कि यही होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत टाइप के हैं जिनमें से मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। अगर इनमें से कोई आ जाए तो कर देना, अगर कोई बाहर से आ जाए जैसे कोई दूसरा नाम दे दे, मान लो कोई एलेनिन नमानसिट दे दे कि एक्साइटेटरी होता है इनहिबिटरी होता है, तो आप क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे? सीधी बात यह है, जरूरी थोड़ी कि सारे आपने पढ़ा हो। तो जो अपनी रेंज में से आ गया उसमें से तो करना है अटैम्प्ट, अगर बाहर से आता है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, उसको छोड़ के आ जाएगा ना, क्योंकि 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, तो इसके अलावा और भी आएंगे ना अपनी रेंज वाले क्वेश्चन। चलो है ना, इसके बाद में फिर फर्स्ट स्टेप हुआ था अपना डीपोलराइजेशन, उसके बाद में के प्लस चैनल ओपन हो जाते हैं तो के प्लस बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाने पर अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन आएगी, है ना। अब जो प्लस ट्वेंटी तक पहुंच गया था ना, पहले -70 तक पहुंचा, फिर -55 तक पहुंचा थ्रेशोल्ड पे, फिर +20 तक पहुंचा, तो -70 से +20 तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है ये तो होती है डीपोलराइजेशन। फिर जब के प्लस चैनल ओपन हो जाएंगे तो अब कंडीशन आएगी हाइपर पोलराइजेशन वाली। फिर उसके बाद में अब -90 तक पहुंच गया, सेल हाइपर पोलराइज हो गई, अब अपना प्राइमरी काम है आयन को बैलेंस करना। तो आयन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, एन ए प्लस के प्लस पंप को ओपन करेंगे जिससे 3Na+ बाहर और 2K+ अंदर। तो इस तरीके से आयन हो जाएंगे बैलेंस। अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें इसी डायग्राम को, है ना, कि वोल्टेज कैसे चेंज होता है, तो आज 8 तारीख बन गई ना, नया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, अब वापस से लेना है ना आपको एडमिशन 11-12 की डेट में।
फीस रिफंडेबल होती है, आपको पता है ना, 5 दिन तक आपके पास टाइम रहता है और कोई कुछ नहीं काटते ना, 100% रिफंडेबल होती है। 5 दिन तक अगर आप वापस लेने आते हो तो पूरी फीस वापस। तो अब अभी भी कैंसिल करवा सकते हैं। आपके लिए आपको पार्टी मिलेगी ना सबको। और तो फिर ये कर देते हैं कि आप एक स्टूडेंट लाओगे तो 2000 का कोई गिफ्ट दे देंगे, कैश में नहीं मिलेगा पैसा, 2000 का कोई गिफ्ट देंगे आपको फिर एक स्टूडेंट। हाँ, कैश में नहीं मिलेगा, अभी बताएंगे स्कीम। अब ये है कि वैसे भी नया ज़्यादा कमा क्या करेंगे, अपने पूरी साल का खर्चा तो आ गया, अब यहाँ से आगे तो कितने भी पढ़ाओ ज़्यादा तो कमाना नहीं है वैसे। क्या लॉस क्यों गया? सुना है ना इंतजार का फल मीठा होता है, अब आपके उसको कोई जूस बना के पी गया। -10 पीयूष, ये डायग्राम समझ लो, फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, ग्राफ चल रहा है। वैसे भी आप कल आए नहीं थे, पता है ना। तो देखो, सेल जब रेस्टिंग फेज में चल रही है तो अभी उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70। तो ऊपर या नीचे चलेंगे बताओ? नीचे। तो ये रहा है ना -70, तो सेल का वोल्टेज पोटेंशियल अभी ऐसे चल रहा होगा, है ना। फिर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया, लिगेंड आया, लिगेंड आके बाइंड करेगा तो कितना हो जाएगा? -55 लगभग हो गया, -55। चलो ये यहाँ पे कितना हो गया? -55। अब जैसे ही -55 होगा तो अब कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे? सोडियम गेटेड एन ए प्लस, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी सेल रेस्टिंग फेज में चल रही थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से चैनल ओपन हुए हैं? यहाँ पे लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। फिर जैसे ही ओपन होते हैं तो -55 पहुँच जाता है, और इसके बाद में तुरंत ओपन हो जाएंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और ये रैपिडली कितना पहुँच जाएगा? है ना, ऐसे प्लस में पहुँच जाएगा ये। इसमें तो देखो फिर भी टाइम लगा, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता, मतलब ये प्रोसेस जो होती है कैसी होती है? रैपिड होती है ना, फास्ट होती है। तो अभी यहाँ पे कौन से चैनल ओपन है बताओ? अब ये शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा ऐसे, और उसके बाद में क्या होगा? कौन से चैनल ओपन होंगे अब? वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल। तो अब वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा अब? -90 हो गया, -90 पहुंच गया, -90 तक पहुंच गया ना, नहीं पहुंचा है तब भी सपोज कर लेना। अब कौन से चैनल ओपन करोगे आप? सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा? 3Na+ बाहर और 2K+ अंदर। तो ये ऐसे चलता रहेगा ग्राफ, मतलब -70 के आसपास, -65, -75 मतलब ऐसे रहेगा, है ना। समझ में आ गई न्याय वाली बात? तो ये जो ब्लैक कलर में है बताओ क्या लिखा जाए यहाँ पे? ये थी आपकी
रेस्टिंग फेज। प्रीति अभी आपको समय में थोड़ी आ रहा है, क्या चल रहा है? अभी नहीं आना चाहिए ना वैसे भी, फिर ये बच्चे बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, ये दो दिन से पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक को। यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्टिंग फेज है ना, अभी नया टॉपिक शुरू होगा थोड़ी देर बाद में, तब कुछ समझ में आएगा ना क्या चल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से चैनल बताओ? लिगेंड गेटेड एनए प्लस चैनल, यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक क्या बोल रहे हो? नहीं वो कम ज़्यादा हो सकता है इतना है ना, कुल मिला के आपको 20 से कम नहीं रखना है ना, वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। अच्छा अब बताओ वहाँ पे क्या लिखा है? वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ। वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल, यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या लिखा जाए इसको? एन ए प्लस के प्लस पंप, और बाकी यहाँ पे ली की के प्लस, ये तो ऑलवेज ही ओपन रहते हैं ना, ये तो किसी भी कंडीशन में ओपन ही रहेंगे। किस किस को समझ में नहीं आया वाला डायग्राम? अगर नहीं आया हो तो अभी भी बता दो, अभी डायग्राम मिटाया नहीं है, देख लो। जो अब तक हमने पढ़ा है उसी का निष्कर्ष है ये। क्या बोल रहे हो? कौन सा कैल्शियम चैनल को कहाँ पे लिखें बताओ? जैसे वोल्टेज गेटेड के प्लस हो गया, अब ये कैल्शियम चैनल का ऐसा होता है कि जैसे ये सोडियम चैनल ओपन हो गया, इसके जस्ट बाद में आपको लिखना पड़ेगा। बाकी एक्चुअल में तो क्या होता है, देखो एक्चुअल में ये होता है, लिगेंड गेटेड सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद में वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस होगा, फिर उसके बाद में ये के प्लस चैनल ओपन होता है, वो सबसे लास्ट में जाके होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 20 हो गया तो वहाँ वाले के प्लस चैनल ओपन हो जाते हैं, आगे सिग्नल तो ट्रांसमिट होता रहेगा और पीछे से वापस से सेल डीपोलराइज मतलब अपने नॉर्मल फेज में आती रहती है, तो उसको आप लास्ट में कर सकते हो ना यहाँ पे। क्या के प्लस के भी बाद में ओपन होता है ना कैल्शियम चैनल, तो आप इसको कहाँ करोगे? प्लस 20 कहाँ पहुँचा? यहाँ पे पहुँचा है ना, तो देखो ये जो प्लस 20 है, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो आप। देखो ये एक सेल है ऐसे, तो यहाँ पे भी प्लस 20 पहुँच गया मिली वोल्ट, तो यहाँ वाले जो के प्लस चैनल होंगे वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे ना, तो के प्लस बाहर आएगा या अंदर? के प्लस बाहर आ जाएगा ना। अभी इस एरिया में प्लस 20 है और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 90 हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कितना होगा? प्लस 20, फिर यहाँ से प्लस 20 आगे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन पीछे से ये कितना होता रहा है? ऐसे माइनस 90 होता हुआ आ रहा है। तो देखो अभी प्लस 20 भी है सेल के अंदर, माइनस 90 भी है सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ओपन होंगे कौन से चैनल? कैल्शियम प्लस 2 चैनल। समझ में आ गई बात? तो जब कैल्शियम प्लस 2 चैनल ओपन होंगे तो इधर वाली वोल्टेज तो कुछ और होगी और लास्ट वाली वोल्टेज कुछ और होगी, तो लास्ट में जब प्लस 20 पहुँच जाएगा तब जाके कैल्शियम प्लस 2 चैनल ओपन होंगे। तो आप उसको वैसे ही याद रख लेना ना, इस डायग्राम में नहीं बनाया मैंने। वैसे पूछे आपसे सीक्वेंस की एक्चुअल में कैल्शियम प्लस 2 चैनल पहले ओपन होगा या के प्लस, तो पहले के प्लस ओपन हो जाता है ना शुरुआत में ही। आज तक समझ में आ गया डायग्राम? ये डायग्राम ऐसे ऐसे चार नंबर में आते हैं ऐसे डायग्राम, है ना, उस टाइम पे आपको इसमें ये राई का पार्ट लगता है कि इस डायग्राम में कैसे होगा, तो जो हमने पढ़ा है उसी का डायग्राम बनाया बस।
शिवानी बाहर मौसम कैसा हो रहा है उधर अरमाड़ा साइड में? घूमने जैसा है? क्या? हाँ, कितने तारीख को चलना रणथंभौर वैसे? कौन सी? अभी पता तो अपने को भी नहीं है ना वहाँ पे क्या है देखने लायक, अगर कोई ऐसे हो उधर का। हाँ, आप भी तो सवाई माधोपुर गई हो ना? आपको अच्छा पता होगा उधर क्या है मतलब देखने लायक। पास पास में ही मंदिर और वो दोनों अलग अलग हैं, और ऐसा होना चाहिए कि इसकी टिकट अंडर 100 में हो। खाने पीने के ज़्यादा लग जाए ना ऐसी चीज़ों पे, टिकट वगैरह पे खर्च मत करो ज़्यादा। क्या नहीं है वहाँ पे छोटे स्टूडेंट हैं? फिर भी स्टूडेंट आईडी लेके चलेंगे अपन, जितने भी सुबोध वाले हैं वो सब स्टूडेंट आईडी जमा करा देना पहले ही, कोई जाए तो भी नहीं जाए तो भी। ऐसी धोखा हो गया उस, अभी क्या था अपन घूमने चले गए वहाँ नारगढ़, क्योंकि वो सब फ्री किए थे ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, वहाँ जाके पता लगा फ्री नहीं है ये हवा महल, वो सब ये नारगढ़ जयगढ़ हवा महल फ्री नहीं है। अब चले गए तो आपको पता है घूमते, उस वजह से इतनी तो भीड़ होगी वहाँ पर, लोग फ्री के चक्कर में गए, लेकिन वहाँ जाके पता लगा फ्री नहीं है, आपको लौट के थोड़ी ना आएगा, अब गया है तो देख के आएगा फिर। आगे से दो बैच पढ़ाएंगे, उनमें से एक बैच की 35,000, एक बैच फ्री में। तो पोस्टर कैसा लगा नया वैसे? हैं, तुम्हें बनाना सीख गया इसका? अब तो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। दो हज़ार की गिफ्ट। हाँ, अब जो आगे वो आगे यहाँ से आगे लाओगे तब। हाँ, चलो अब ये समझ में आ गया डायग्राम, तभी तो मैं बोल रहा था किधर देख लिया कर।
देखो पीयू साहब, जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता है, तो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70। तो ये माइनस के लिए यहाँ से नीचे चले तो ये -70 के आसपास रहेगा ना ये। फिर जैसे ही लिगेंड आके बाइंड करेगा, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है वो, तो कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। तो उसकी वजह से कितना पहुँच जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो देखो ये -70 यहाँ पे, -55 यहाँ कहीं आसपास होगा, -55 पहुँच गया। जैसे ये -55 पहुँचता है तो कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो ये पहले तो फास्ट प्रोसेस है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो अपने को फिर भी टाइम लगा, लेकिन ये पहुँचने में देखो रैपिड प्रोसेस है, एक है ना, ये अपने को 15 कम करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये अपने को -55 से +20-30 तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये एक रैपिड प्रोसेस है। और चैनल कौन से ओपन हुए थे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसकी वजह से 20-30 तक पहुँच जाएगा प्लस में। तो यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो रेड कलर में बनाया है ना, यहाँ से और पूरा यहाँ तक, इस स्टेप को क्या बोला है हमने? डीपोलराइजेशन। क्या बोला है इसको? मतलब मैं पॉइंट लिख देता हूँ ऐसा, है ना, जैसे ये तो है ए पॉइंट, ये बी सी डी ई एफ और ये जी। तो डीपोलराइजेशन कहाँ से लेके कहाँ तक को बोलोगे? बी से लेके डी तक, बी से लेकर डी तक क्या है? डीपोलराइजेशन। और इस डी से लेकर ई तक क्या है? हाइपर पोलराइजेशन। ये है आपका डी से लेके ई तक। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन या आयन बैलेंसिंग। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? आयन बैलेंसिंग। रीपोलराइजेशन किसको बोला है? ई से लेके एफ तक। समझ में आ गए पॉइंट पीयूष? अब तो हाँ भरनी पड़ेगी, नहीं आएगा तब भी। ये कम से कम प्लस 20 तो रखना है आपको, है ना, ज़्यादा अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हो आप। हाँ ये तो डायग्राम है। क्या है कि ये डेटा फिक्स नहीं है ना, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन कम से कम प्लस 20 तक रखना है। दूसरा क्या होता है नेहा, ये टिशू स्पेसिफिक होता है ना, जैसे किसी टिशू के न्यूरॉन में तो प्लस 20 तक पहुँचता है, किसी में प्लस 30 तक भी पहुँच जाता है, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं ऐसे, लेकिन कम से कम 20 तक आपको रखना पड़ेगा। हाँ क्या न्यूरिलिमा का मतलब है? न्यूरॉन के ऊपर पाई जाने वाली वो, और एग, हाँ मेम्ब्रेन ही है वो भी, है ना, और एग्जोनिमा केवल जो स्पेशल एग्जोन के ऊपर मिलती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें एग्जोन नहीं मिलता। नेहा मिटाया जाए इसको, मिटा दें अभी, नहीं बनाया पीयूष? इस पर इम्पोर्टेंट डाल लेना है ना, इस डायग्राम पे। ये पूरा जो टॉपिक चल रहा है पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, ये पूरा एनिमल फिजियोलॉजी का है पूरा टॉपिक। और इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, जो नर्व इम्पल्स है ना पूरा, इसमें से। हाँ हाँ,
रीपोलराइजेशन हमने बोला है वैसे एक्चुअल में जो -90 तक पहुंच जाता है ना, -90 से फिर उसको प्रीवियस कंडीशन में लाते हैं, उसको भी आप रीपोलराइजेशन बोल सकते हो। और पोलराइजेशन का मतलब है सेल जो -70 पे है ना, उसको हम बोलते हैं कि एक पोलराइज सेल है, और उससे ज़्यादा होता है तो हाइपर पोलराइज बोल देते हैं, कम होता है तो डीपोलराइज बोल देते हैं। क्या देखो मैं बता देता हूँ रिफ्रैक्टरी पीरियड, पहले इसमें एक और डायग्राम बता दूँ फिर मैं बोल जाऊँगा ना क्या बताना था आपको। जैसे क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं अपने पास में जो न्यूरोटॉक्सिक नेचर के होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना सांप का जहर है वो दो टाइप का होता है, कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। तो कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स हैं अपने पास में, चाहो तो मैं कुछ के नाम लिखा देता हूँ पहले, बाद में ये डायग्राम बता दूँगा ना। जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन और डायनोफ्लैजेलेट वाला है ना ये, सेक्सीटॉक्सिन, ये दोनों जो है ना टेट्रोटॉक्सिन और सेक्सीटॉक्सिन, ये दोनों क्या करते हैं एन ए प्लस चैनल को ओपन नहीं होने देते हैं ना, बंद करके रखते हैं। और ये है आपका बीराट्रिडिन और बाट्राकोटॉक्सिन, ये एन ए प्लस चैनल को ओपन ही रखते हैं, और ये एन ए प्लस चैनल के प्लस चैनल के लिए ओपन नहीं होने देते हैं ना। तो पहले थोड़ा सा इनके नाम देख लो फिर कौन सा क्या करता है ना ड्रग। देखो ये है टेट्रोडोटॉक्सिन, ये मिलता है एक पफर फिश होती है, नाम सुना है पफर फिश, इधर लिख देता हूँ मैं। पफर फिश होती है आपने रील्स वगैरह में देखी हो, जिसको पकड़ लेते हैं तो फूल के बॉल लाइक बन जाती है ऐसे, वैसे तो नॉर्मल होती है ऐसे पतली सी, पर जब आप उसको पकड़ लेते हो तो बिल्कुल बॉल लाइक बन जाती है ना, ऐसे हवा भर लेती है अपने अंदर, नहीं देखी ऐसी रील्स में, देखी होगी है ना। और वो जहरीली होती है, उसमें टॉक्सिन पाया जाता है, तो आगे से बच के रहना उससे ना, छोटी सी होती है, इतनी बड़ी सी होती है लेकिन वैसे तो ऐसी रहती क्या। हाँ तो वो टेट्रोटॉक्सिन होती है ना, वो पफर फिश होती है उसमें से टॉक्सिन निकलता है टेट्रोटॉक्सिन। ये मिलता है आपका डायनोफ्लैजेलेट से, डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे जूलोजिकल नाम सुना हो ना, गोनियालॉक्स होता है ना, उससे मिलता है ना ये। और ये सबार्डीला प्लांट है ना, ये ऐसा नहीं कि आप याद रखोगे, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फ्रॉग है उससे मिलता है, और ये प्लांट है ना डेंड्रोप्सिस उससे मिलता है। तो ये तो आपको याद रह नहीं रहे, इनको थोड़ा सा याद रख लेना बस, है ना, कौन सा ड्रग क्या अफेक्ट करके जाता है। तो टेट्रोडोटॉक्सिन क्या करता है, ये आपको लिखा दिया पहले है ना, पेलीटॉक्सिन और बोवेन और डिजिटेलिस, ये तीन आपको पहले लिखा दिए मैंने, तो ये आप तो याद होंगे नहीं, खैर तो पहले लिखाए थे ना दो दिन पहले। तो क्या करता है ज्योति, पेलीटॉक्सिन क्या करता है, क्या करता है
इनमिट करता है। ऐसे नहीं बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप को चैनल में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे नहीं लिखा था। बोवेन और डिजिटलिस क्या करते हैं? शिवानी क्या करते हैं? बोवेन और डिजिटलिस डीफॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जो होता है ना कन्फर्मेशन चेंज करने के लिए, उसको ब्लॉक करते हैं। तो वो तो पहले लिखाया था ना, अब कहाँ से याद रहेगा? अब का याद नहीं रहता तो पहले का कहाँ से रहेगा? और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर जाके याद करते हैं, यहाँ तो याद होता ही नहीं उनको। तो कुछ मेढक भी जहरीले होते हैं ना। दुनिया का सबसे जहरीला जानवर कौन सा है? हाँ, दुनिया का सबसे जहरीला जानवर इंसान है सबसे जहरीला। अरे सांप क्या लगता है? सांप को तो इंसान खाई जाता है। चाइना में तो बाकायदा खेती होती है सांपों की। इंसान से जहरीला कोई हो सकता है बताओ? ज्योति लोग कहाँ तक है ना इंसानियत गिरी हुई है, लोग केवल एक स्कल्पचर बनाने के लिए जो चींटियों का वो बिल होता है ना उसमें वो मतलब एल्युमिनियम वगैरह पिघला के डाल देते हैं स्कल्पचर बनाने के लिए। अब ऐसे स्कल्पचर का क्या होगा ये बताओ, जब आपने लाखों चींटियों को मार के एक स्कल्पचर बनाया, नहीं देखा ऐसा? जो चींटी वगैरह होती है ना उनका बिल होता है, तो उस बिल में क्या करते हैं एल्युमिनियम जो होता है ना उसको पिघला के डाल देते हैं, तो उसमें से बढ़िया सा ऐसे प्लांट लाइक स्कल्पचर निकल के आता है। उसमें चींटियों के वो छेद होते हैं ना इधर उधर ऐसे, वो चींटियों का ही होता है तो और कहाँ से? तैयार नहीं करते वो। अच्छा, वो आपने वैसे देखा होगा, वो चींटियों के बिल में डायरेक्ट डाल के उसमें चींटियां क्या इधर उधर अपना वो रास्ता बनाती है ना, तो उनमें वो एल्युमिनियम जाके बिल्कुल ऐसे प्लांट लाइक स्कल्पचर बन जाता है। तो लोग केवल लाइक और कमेंट के लिए ये भी करते हैं, नहीं देखा ऐसा आरती? अच्छा वैसा देखा है, ये चींटियों वाला नहीं देखा। अब जैसे गांव में रहे हो तो आपको पता हुआ ना, जैसे गांव में नॉर्मली क्या होता है चींटियाँ अपने घर बनाती हैं और वो बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं उनके घर। गांव वालों ने देखे होंगे ना, जैसे खेत की मेड़ वगैरह जो होती है ना उस पर मिलते हैं, जैसे चींटियाँ बहुत गहरा अंदर तक वो गड्ढा करती हैं, फिर बरसात में जैसे उनके घर में पानी जाएगा तो पानी नहीं जाए तो उसके लिए क्या करती हैं वो बिल्कुल बहुत अंदर से 20-30 फीट से मिट्टी निकाल के लाती हैं अंदर से, और उस मिट्टी से ऐसे ऊपर पूरे घर को पैक कर देती हैं अपने को। देखा है ऐसे गांव में? गांव में हम बोलते हैं कि सांप का घर है, वो सांप का नहीं होता, वो चींटियों का होता है एक्चुअली। और वो मिट्टी ऐसी होती है जो बरसात में घुलती नहीं है, गांव वाले होंगे उन्होंने देखा होगा, वो बहुत गहराई से मिट्टी निकाल के लाती हैं चींटियाँ उसको, तब जाके उससे घर बनता है। देखा है प्रतीक्षा ऐसा? आपने कहाँ देख लिया? अच्छा वहाँ पर देखा था। गाँव वाले उनसे ऐसे खेलते रहते हैं ना, गाँव में उनको सांप का घर बोलते हैं लेकिन चींटियों का होता है वैसे वो। नॉर्मली क्या है उनको सांप का घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको सांप ही यूटिलाइज करते हैं, सांप जैसे बरसात वगैरह आती है ना तो सांप उनमें ही रहते हैं। हाँ बनाती तो चींटियाँ अपने लिए लेकिन सांप रहते हैं उनमें, तो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, उसमें चींटियाँ भी रहती हैं, मतलब दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे अगर कोई गाँव से बिलोंग करता हो तो उसको पता हो, जैसे एक तो होती चींटी और एक चेंटा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? मकोड़ा बोलते हैं ना। हाँ, अब वो मकोड़े भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्लैक एक होते हैं रेड टाइप के। हाँ, और अलग अलग नाम से पुकारते होंगे आप, है ना उनको गांव में? हैं, हाँ हम उसको चेंटा बोलते हैं ना, छोटी चींटी होती है, और उसको आप कीड़ी भी बोलते हैं, कई लोग कीड़ी बोलते हैं चींटी को। हाँ, तो हमारे यहाँ उसको चींटी बोलते हैं, बड़े को चेंटा बोलते हैं ना। चेंटा दो टाइप के हो गए, ब्लैक वाला और वो रेड वाला। तो रेडिस वाला जो होता है वो थोड़ा तेज़ भागता है ना,
तो आप लोग करके देखना, मतलब जो उनका घर वगैरह होता है ना, उनके घर में आपको एक बिच्छू हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे उसमें आप पानी वगैरह डालते हो तो वो बिच्छू बाहर निकल के आएगा, बिच्छू उनके साथ में, मतलब चाहे तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मान लो, कुछ भी मान लो, वो कुछ ना कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दोनों का, मतलब उनके घर में चलो ये समझ में आ गया। अरे ये क्या होता है, कई लोग जैसे इलाज वगैरह के लिए बिच्छू को यूज में लेते हैं, तो फिर वो बिच्छू वहीं से निकाल के लाते हैं, वहाँ फिक्स है कि वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कहीं मिले नहीं मिले, ऐसे ढूंढने से काम लेगा, तो वहाँ फिक्स है जगह कि यहाँ पे इसके घर में बिच्छू मिलेगा। लेकिन ये तो देखो मेरी भी समझ में नहीं आया था कि बिच्छू काट जाता है तो हर गांव में 4-6 लोग होते हैं जो मंत्र से बिच्छू को उतार देते हैं, बिच्छू का जहर, ये तो मेरा देखा हुआ है। जैसे आपको बिच्छू ने काट लिया तो बहुत खतरनाक दर्द होता है, फिर हर गांव में 4-6 लोग ऐसे होते हैं। क्या खाते हैं? हाँ तो फिर खेती करते होंगे बिच्छू की, मतलब वो ऐसे बड़ा करके तब खाते होंगे। नहीं, जिंदा बिच्छू देखा हुआ है ना ऐसे बिल्कुल। हाँ नहीं, उसकी चींटियों घर की बता रहा हूँ ना, वो जो मकोड़े होते हैं ना उनके घर में जिंदा बिच्छू रहते हैं, मतलब तो वो ऐसा हो सकता है कि समझदार हों, खेती करते हों, मतलब ऐसे रिप्रोडक्शन करवाते हैं उनका, ऐसा नहीं है? नहीं तो वैसे हमने तो जिंदा बिच्छू निकाले ऐसे, है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। बिच्छू काट लेता है ना तो फिर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र वगैरह से उसका जहर है ना ख़त्म कर देते हैं। अब जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, देखा ऐसा? हाँ सही हो जाता है ना। हाँ ये मेरे को भी नहीं पता कैसे होता है, लेकिन होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो मंत्र जैसी चीज़ है उससे जहर उतर जाता है। तो देखो डिजिटलेस और बोवेन दोनों ने क्या किया था, डीफॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देता है जिससे Na+K+ पंप ब्लॉक हो जाती है, और जो आपका पहली टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को नॉन स्पेसिफिक चैनल में कन्वर्ट कर देता है। और बाकी ये चार नाम आपके सामने लिखाई दिए। तो प्रियंका, इनमें से डेंड्रोटॉक्सिन क्या करता है, बिना देखे बताना है, या घर जाके याद करते हो आप भी? घर जाके याद करते हो ना। चलो अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा। ये एक डायग्राम है ना, एक सेल थी उसमें सिग्नलिंग चल रही है ना, तो उसकी सिग्नलिंग का जो हमने ग्राफ देखा मिलीवोल्ट के साथ में, यहाँ पे है -70, यहाँ पे है -90, 0 और ये +30 तक है। तो जब हमने कोई ड्रग नहीं दिया तो उसका ग्राफ पैटर्न ऐसा देखने को मिला है ना मिलीवोल्टेज में, और जब हमने उसी सेल में ड्रग डाल दिया, कोई पता नहीं है ना कौन सा ड्रग डाला, तो उसका जो ग्राफ है वो रेड कलर में मिला है ना, ये मिला है। तो आपको बताना है कि इस ड्रग ने कौन से चैनल को प्रोबेबली अफेक्ट किया होगा। पता कर लिया पक्का? देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब ये जो है लिगैंड गेटेड Na+ चैनल तो ओपन हुए हैं ड्रग की प्रेजेंस में भी,
और वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल भी ओपन हुए हैं, लेकिन यहाँ से अब नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ। नीचे आना चाहिए था ना, नीचे लाने के लिए कौन से चैनल ओपन होते थे? वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल। इसका मतलब इस ड्रग ने वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल को अफेक्ट किया है, उसको ओपन नहीं होने दिया। समझ में आ गई बात? अब ऐसा क्वेश्चन चार नंबर में आता है, मतलब चार, हाँ ऐसा ही आएगा, लेकिन ये अभी आपको ईजी लग रहा है। हाँ, दो स्टेटमेंट हो सकते हैं ना, या तो एन ए प्लस चैनल को परमानेंटली ओपन रखा हो, एन ए प्लस चैनल परमानेंट ओपन रहेगा तब भी ये कंडीशन आएगी। ड्रग नहीं कर सकता, अभी नहीं लिखाई ड्रग, अभी ड्रग नहीं लिखाई क्या? कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल को परमानेंट ओपन रखते हैं, तो एन ए प्लस चैनल परमानेंट ओपन रहेगा तब भी तो यही कंडीशन रहेगी ना। तो इसमें दो वो हो सकते हैं ना एजम्पशंस, या तो वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल परमानेंट ओपन रह गया हो, या फिर वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ओपन नहीं हो पाया हो, क्लोज का क्लोज रखा हो उसने। समझ में आ गई बात? तो अभी आपको ये दीप का ईजी लग रहा है, लेकिन बिना पढ़े अगर यही आता तो कैसा लगता? अभी ईजी लग रहा है ना। तो इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो क्या हो सकती है कंडीशन, एन ए प्लस चैनल परमानेंट ओपन, यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, अब देखो वैसे आपके सामने स्टेटमेंट कैसे देता, एक स्टेटमेंट देता लिगैंड गेटेड एन ए प्लस चैनल परमानेंट क्लोज्ड, दूसरा देता लीकी के प्लस चैनल क्लोज्ड, तीसरा देता लिगैंड वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल परमानेंट ओपन, और एक स्टेटमेंट देता वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल परमानेंट क्लोज्ड। कौन सा होगा तो बताओ? तो वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल परमानेंट क्लोज्ड ये हो जाएगा ना। तो अभी इजी लग रहा है, एक महीने बाद इसी को देखना यही हार्ड हो जाएगा फिर से, है ना, वापस से। लीकी चैनल का इतना इफेक्ट नहीं होता है ना। लीकी चैनल का बहुत बड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना, बहुत कम रेट से उसमें से ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक न्यूरॉन सेल का ग्राफ दिया गया है वोल्टेज का, ये तो पता है ना आपको। टॉरपीडो इलेक्ट्रॉनिक ईल मछली का नाम सुना है? उसमें करंट होता है, तो आपको इस ऐसे दिमाग में कभी आता नहीं कि इसमें करंट कैसे हो सकता है, फिर तो हमें ऐसे बैटरी वगैरह जरूरत नहीं पड़े, उसी का पालन कर लिया जाए ना। तो नेहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा करंट कौन से जानवर में होता है? इंसान में होता है भाई, बाकी को तो छूना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने से घायल हो जाते हैं। तो किस में हुआ बताओ? कुछ समझ में आ गया डायग्राम?
मिटा दें इसको। ऐसा वैसे इंसानों में भी होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा होता तो क्या होता जो पढ़ाई के बारे में पूछता ना, पढ़ाई कैसी चल रही है सबसे पहले तो उसको करंट मारो, है ना। दूसरा, जैसे लड़की को उसकी बिना मर्जी कोई टच नहीं कर सकता ये भी तो फ़ायदा होता ना। फिर कोई पूछता नहीं पढ़ाई के बारे में, वो तो पढ़ा होगा ना, वो ऐसे सर पूछता है और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो उसको मैसेज भेजता है रिश्तेदार ने पढ़ाई के बारे में पूछा तो अरे वो उसमें आया था ना, मतलब फूफा जी पूछते हैं उससे बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो उसको अखबार की कटिंग भेजता है रिश्तेदार ने पढ़ाई के बारे में पूछा तो चाकू से की हत्या फिर अरे बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अरे फूफा जी वो गलती से सेंड हो गया आपको तो अभी क्या पढ़ रहे थे हम, वो रह गया था ना ARP और RRP। देखो पहले रिफ्रैक्टरी पीरियड समझ के देखो ना, मतलब क्या होता है ये। जैसे किसी सेल को आपने सिग्नल दिया और अभी सिग्नल उस सेल में से ट्रांसमिट हो रहा, कंडक्ट हो रहा है ना। अरे आवाज़ आ रही है अभी, किसकी आ रही है आवाज़, अभी भी आ रही है मोहित, आवाज़ आ रही है, फिर भी आवाज़ आ रही है। देखो क्या बता रहा था मैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, अगर आपने किसी सेल को कोई सिग्नल दिया और उस सेल में से सिग्नल कंडक्ट हो रहा है, अभी कंडक्ट हो ही रहा था तब तक आपने क्या किया कि दूसरा सिग्नल दिया, तो अब वो सेल सिग्नल को रिसीव करेगी या नहीं करेगी, अब वो सेल सिग्नल को रिसीव नहीं करेगी। आप सिग्नल दे रहे हो फिर भी सेल सिग्नल को रिसीव नहीं कर रही, तो फर्स्ट सिग्नल देने के बाद में वह टाइम पीरियड जिसमें सेल कोई दूसरा सिग्नल रिसीव नहीं करती, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड दो टाइप का होता है, एक तो होता है ARP, दूसरा होता है RRP, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में तो क्या होता है, आप कैसा भी सिग्नल दो, कितनी भी स्ट्रेंथ का सिग्नल दो, सेल सिग्नल को रिसीव करेगी नहीं। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसमें सेल सिग्नल रिसीव कर सकती है अगर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ पहले वाले सिग्नल से क्या हो, स्ट्रांग हो, ज़्यादा हो, समझ में आ गई बात, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इसका अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ बनता है, ये ऊपर वाला इस बार मैंने ना माइनस में लिख दिया है, तो यहां से लेके ये जो टाइम पीरियड है ये क्या होता है, ARP, और ये होता है RRP। इसमें अभी वोल्टेज गेटेड NA+ चैनल क्लोज्ड है या इनएक्टिवेटेड है, इस यहाँ तक अभी क्लोज्ड हो जाते हैं, यहाँ पर वो सॉरी इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं ना, यहाँ तक क्या है, इनएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे तो आप कैसा भी सिग्नल दो वो ओपन नहीं हो सकते, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो अभी आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दोगे तो वो ओपन हो सकते हैं, तो इसमें तो आप ओपन कर ही नहीं सकते ना इस पीरियड में, और इसमें ओपन हो सकते हैं लेकिन जो अपना सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ पहले वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो कैसे हैं, इनएक्टिवेटेड NA+, और यहाँ से यहाँ तक क्लोज रहते हैं। तो क्लोज्ड वाले ओपन किए जा सकते हैं लेकिन किस कंडीशन में होंगे ओपन, हाई स्टिमुलस आएगा जब होगा, है ना। तो पहले आप डालोगे रिफ्रैक्टरी पीरियड डालो, फिर मैं डेफिनेशन में लिखाता हूँ।
क्या? तो अलग अलग हुआ ना सेंटर ब्रांड में, जैसे आपके ब्रांड जैसे भूख के लिए अलग सेंटर है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेंटर है, तो अलग अलग नहीं, ऐसा एक ही न्यूरॉन थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैं आपको यहाँ टच करता हूँ, टच के लिए अलग न्यूरॉन है, टेम्परेचर के लिए अलग न्यूरॉन होंगे, एक न्यूरॉन हर किसी को थोड़ी सेंस कर सकता है, पैरेलली बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो अब जैसे आपके अंदर ही है, जैसे लड़कियों में कैपेसिटी है कि वो एक साथ सुन भी सकती हैं और बोल भी सकती हैं, लड़कों में नहीं है ये। तो ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन से सब कुछ होता है ना, अलग अलग पैरेलल न्यूरॉन्स होते हैं। तो लिखो रिफ्रैक्टरी पीरियड डालिए एडिंग, अब लिखो टाइम पीरियड आफ्टर प्राइमरी सिग्नल, इन विच एन एक्साइटेबल न्यूरॉन डू नॉट रिसीव या कैन नॉट रिसीव, कुछ भी कर लेना है ना, डू नॉट रिसीव एनदर सिग्नल या स्टिमुलस, डू नॉट रिसीव एनदर सिग्नल या स्टिमुलस। तो मैं उसमें फर्स्ट ग्रेड में क्लास लेने गया नीचे रमेश एक दिन, तो उस दिन 3-4 बच्चे आए थे बस। अब मैं यहाँ बहुत स्लो बोलता हूँ तब भी आवाज़ पीछे पहुँच जाती है, मैं उस दिन इतना तेज़ी से बोल रहा फिर भी सर और तेज़ बोलो, मैं दूसरे दिन गया ही नहीं पढ़ाने। मतलब ज़्यादा हो तब भी, अब 3-4 बच्चे उनमें भी मतलब कितनी तेज़ी से बोले। तो फिर मैं गया ही नहीं पढ़ाने, दूसरे दिन मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। इतना तेज़ी से नहीं बोला जाएगा ना, अब यहाँ भी अब इतना स्लो बोलते हैं फिर भी लगभग पीछे तक आवाज़ पहुँच जाती है, अब वहाँ कितना तेज़ बोला और ये बताओ, वो भी 3-4 बच्चों के लिए। नहीं आ रही ना, अब एक ही समाधान है कि आप आगे बैठ सकते हो, अब तो फीस भी आ गई है। तो लिख लिया आपने, समझ में आ गया क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब प्राइमरी सिग्नल देने के बाद में सेल दूसरा सिग्नल रिसीव नहीं कर सकती एक टाइम पीरियड तक, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला गया है। ये दो टाइप का होता है ना, इट हैज टू टाइप्स, ARP एंड RRP। देखो न्यूरॉन कैन नॉट रिसीव न्यूक्लियर न्यूरॉन कैन नॉट रिसीव सिग्नल ऑफ एनी स्ट्रेंथ, किसी भी स्ट्रेंथ का सिग्नल उसको रिसीव नहीं करेगी सेल। दूसरा था आपका RRP,
लिखो, न्यूरॉन कैन रिसीव सिग्नल इफ सेकेंड स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग देन प्रायर PRIOR प्रायर मतलब पहले वाले कंपैरिजन में। तो अगर दूसरे वाला सिग्नल का स्टिमुलस पहले वाले से ज़्यादा है तभी उसको रिसीव किया जा सकता है, नहीं तो रिसीव नहीं किया जाएगा। नहीं बनाया, बना लो। तो ये वाला ARP होता है, लास्ट वाला RRP होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, प्रियंका ये चार नंबर में हो गया आपका क्वेश्चन तैयार है ना, और MSC में 20 नंबर का। इसके बिना भी हो जाती है MSC ऐसे तो। लेकिन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर इसी से काम हो जाएगा। देखो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऑल एंड नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल क्या बोल के जाता है कि इसमें जैसे आपने कोई सिग्नल दिया, अब सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन जो सिग्नल अंदर कंडक्ट होगा वो एक ही स्पीड से होगा। अब की बार आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार ज़्यादा तेज़ी से सिग्नल ट्रांसमिट होगा या ज़्यादा मिलीवोल्ट से होगा, अभी भी उतनी ही स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट होगा जितना पहले हुआ था। क्योंकि आप कम स्टिमुलस दो या ज़्यादा दो, बस वो एक बार उसके थ्रेशोल्ड तक पहुँचना चाहिए, मतलब -50 तक जैसे ही पहुँच गया बस उतना ही सफिशियंट होता है। अब उससे आप ज़्यादा स्टिमुलस का दोगे तब भी काम का नहीं है, उससे कम दोगे तो काम का तो है ही नहीं। तो इसमें ग्रेड नहीं पाई जाती है ना कि आप कम स्टिमुलस दोगे तो धीरे पहुँचेगा, ज़्यादा स्टिमुलस दोगे तो और तेज़ी से पहुँचेगा ना, ऐसा नहीं होता। या तो सिग्नल पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ना, दो ही कंडीशन है। समझ में आ गया इसका मतलब? ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा सा स्टिमुलस दिया तो उसको पहुँचने में 1 मिनट लगा, इस बार थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलस दिया तो 30 सेकंड पहुँच गया ना, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा दोगे तब भी उतने ही टाइम में पहुँचेगा, ज़्यादा दोगे तब भी उतने ही टाइम में पहुँचेगा। तो या तो सिग्नल पहुँचेगा और स्टिमुलस अगर बहुत कम हुआ तो पहुँचेगा ही नहीं, और थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो वो पहुँचेगा और उसी स्पीड से पहुँचेगा जितना बहुत ज़्यादा पहुँचता था। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, मोस्टली न्यूरॉन्स वर्क ऑन ऑल एंड नन प्रिंसिपल। मोस्टली न्यूरॉन्स वर्क ऑन ऑल एंड नन प्रिंसिपल।
मोस्टली न्यूरॉन वर्क ऑन ऑल एंड नन प्रिंसिपल। मतलब समझ में आ गया इसका, या तो सिग्नल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, दो ही कंडीशन होती हैं, बीच वाली और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन कुछ न्यूरॉन कैसे होते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल वाले भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कम सिग्नल दोगे तो कम स्पीड से पहुंचेगा, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा स्पीड से पहुंचेगा। तो कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल वाले होते हैं। तो काजल अपनी पांच इंद्रियां बताई गई हैं, बताए ना, पांच इंद्रियां बताई गई, पांच सेंस ऑर्गन बताए गए हैं। नंदिनी कौन कौन से हैं पांच सेंस ऑर्गन? अब ये सारे के सारे आपको बताया हमने कहाँ पे रखे हैं, सब के सब ब्रेन के पास में रखे हैं। आँख नाक कान गला जो भी है ना सेंस ऑर्गन है, उनको ब्रेन के पास रखा है। क्यों रखा है? ताकि सिग्नल को ट्रांसमिट होने में, कंडक्ट होने में टाइम कम से कम लगे। इतना सा गैप है बस, ऐसे आँख जो है ना डायरेक्ट ब्रेन में जुड़ी हुई जाके, है ना, जो ईयर के टेंटिकल्स हैं वो डायरेक्ट ब्रेन में जुड़े हुए हैं। तो अपने सिग्नल की टाइम पीरियड को घटाने के लिए ना, नहीं तो क्या हो, जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो आप 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आँख यहाँ नहीं होके पैरों में हो, तो टाइम लगेगा ना थोड़ा सा पैरों से यहाँ तक आने में। हैं ऐसे तो सांप जो चलता है आप उसकी भी सोच के देखो, वो कैसे देखता होगा, सांप चींटी कीड़े मकोड़े जो कैसे देखते होंगे बताओ। अपनी तो आँखें चलो ऊपर हैं, बाकी उनकी तो नीचे ही होती ना आँखें, वो कैसे देखते होंगे क्या? नहीं मतलब वो कैसे देखते होंगे दूरी तक, जैसे मान लो एक चींटी है वो कितनी दूरी तक देख सकता है कीड़ा? चींटी को नहीं, लेकिन जो हाथी होता है ना उसको हर कोई डबल साइज का दिखता है हाथी को। तो ये वाली बात समझ में आई, कुछ ग्रेडेड भी होते हैं, कुछ ऑल एंड नन प्रिंसिपल पे भी काम करते हैं। और कुछ रह गया कि इसमें न्यूरॉन में और कुछ रह गया हो तो बता दो। पहले से ज़्यादा ही कराया, इस बार फीस ज़्यादा ली है ना बता, लिखा दिया आपने हैं, बता तो दिया। वैसे वैसे एक नाम लिख लेना बस, एक तो होता है EPSP और एक होता है IPSP। इसको तो बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो दूसरी सेल में जाके नाम लिख लेना पूरा बस, है ना, कभी आ जाए ऐसे तो आपको बस ध्यान में रहे कि ये भी हमने पढ़ा था। एक्साइटेटरी और दूसरा कौन सा होगा? इनहिबिटरी। मतलब जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ना प्री सिनेप्टिक से, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाके दो काम करता है, या तो वो इनहिबिटरी टाइप का होगा या एक्साइटेटरी टाइप का होगा। तो जैसे ग्लाइसिन और गाबा है, तो उनमें से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला ना, तो वो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सेल को डीपोलराइज करेंगे या हाइपरपोलराइज? हाइपरपोलराइज करेंगे। तो इसका तो पहला स्टेप होता है हाइपरपोलराइज और इसका होता है डीपोलराइज। प्रत्येक कल वाली क्लास ले ली क्या? नहीं देखी, तो आज वाला समझ में आ गया फिर? ये क्या हो रहा है दीपिका, समझ में आ गया उसको? तो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी वाली सेल में जाके दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या तो EPSP या IPSP। अब देखो इसमें
आपको टाइम लगाया है 2.5 दिन का है ना न्यूरॉन को पढ़ने में, 2 दिन तो पूरे पूरे और आधा दिन आज का। अगर आप इसको घर पे जाके ईमानदारी से अब रिवाइज करो तो कितना टाइम लगेगा? घर पे जाके रिवाइज करो तो मेरे हिसाब से 10 मिनट में हो जाएगा है ना, क्योंकि नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं लगता। मैं अभी 5 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कराता हूँ ना, कोशिश करते हैं 5 मिनट में, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है ना। घड़ी लगा लिया आपने? हाँ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी थी ना। न्यूरॉन का एक हेड वाला पोर्शन होता है जिसपे डेंड्राइट्स मिलते हैं, और एक एक्जॉन मिलता है जहाँ से एक्जॉन निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्जॉन हिलॉक बोलते हैं, और उस एक्जॉन के ऊपर मिलने वाली लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेयर को एक्जोलीमा बोलते हैं। और दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके एक्जॉन पर माइलिन का शीथ पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, कुछ पर नहीं मिलता उनको अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। फिर आ जाता है टेल वाला पोर्शन, टेल वाले पोर्शन में सिनेप्टिक नोब्स मिलते हैं, और दो न्यूरॉन जहाँ पे आपस में जुड़ी होती हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, और दो सिनेप्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और कुछ एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की रेट ज़्यादा मिलती है, तो उनमें कुछ जो mRNA होते हैं उनका ट्रांसलेशन चल रहा होता है, तो वो ज़्यादा प्रोटीन बनाने के चक्कर में पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन मिलती है, उसको पॉलीसोमी बोलते हैं। और निसेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जब इसको ख़राब क्वालिटी की माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आई कि एक पंक्ति में से जगह जगह पर ग्रैन्यूल्स रखी हुई हैं, तो उसने उसको नाम दे दिया निसेल्स ग्रैन्यूल, और पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के चला गया हुआ है ना। और उस टाइम पे तो बनाया, लेकिन लोग आज भी उसको पढ़ रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो निसेल्स ग्रैन्यूल समझ में आ गया क्या होता है, जब किसी mRNA का ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो उस पर जो राइबोसोम है वो एक ग्रैन्यूल लाइक दिखता है ना, वो हो गई निसेल्स ग्रैन्यूल। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि एक न्यूरॉन के ऊपर कौन कौन से चैनल मिलते हैं, तो एक न्यूरॉन के ऊपर सबसे पहले मिलता है हेड वाले पोर्शन पे लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, फिर उसके बाद में मिलेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, फिर उसके बाद में मिलेंगे वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल, और लास्ट में मिलेंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और लीकी के प्लस चैनल मिलते हैं ना उसी पे एक्जॉन पे मिलते हैं। जहाँ पे माइलिन का शीत मिलता है वहाँ पे चैनल की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और बाकी जो नोड ऑफ रेनवियर होता है उसमें उसकी कंसंट्रेशन चैनल की ज़्यादा होगी। अब जो आपको लिगेंड गेटेड चैनल बताए थे वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आयनोट्रॉपिक और दूसरे होते हैं मेटावोट्रॉपिक। आयनोट्रॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिगेंड सीधा बाइंड करता है और चैनल डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं, ये मोस्टली सोडियम के चैनल होते हैं। और दूसरे होते हैं मेटावोट्रॉपिक, ये रिसेप्टर अलग होता है और चैनल अलग होता है, पहले रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड बाइंड करेगा, फिर एक इंटरमीडिएट जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और तब जाके वो चैनल को ओपन करेगी ना, ये होता है मेटावोट्रॉपिक। तो आपके जो एसिटिल कोलिन होता है उसके लिए भी दो रिसेप्टर होते हैं, जो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर है उसका नाम तो होता है वहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर, और जो मेटावोट्रॉपिक रिसेप्टर उसका नाम होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। इनमें से आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर तो डीपोलराइजेशन का काम करता है और मेटावोट्रॉपिक रिसेप्टर हाइपरपोलराइजेशन का काम करता है, यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में देखा था कि कैसे सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा है ना, तो पहले कोई भी सेल सिग्नल को रिसीव करती है, फिर अपने अंदर कंडक्ट करती है, उसके बाद में एक सेल से दूसरी सेल तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती है ना, रिसीविंग कंडक्टिंग और ट्रांसमिटिंग। तो सबसे पहले किसी सेल के पास में कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी लिगेंड आएगा तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल हो जाएंगे ओपन। अब लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल के तीन कन्फर्मेशन बताए गए ना, एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है इनएक्टिवेटेड और एक होता है ओपन। तो सबसे पहले चैनल क्लोज्ड रहते हैं, जब लिगेंड आता है तो वो पहले एक थ्रेशहोल्ड तक उसको चेंज करके जाएगा है ना, थ्रेशहोल्ड तक चेंज करने के बाद में जैसे ही -50 तक पहुँचता है उसके बाद में कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो एक रैपिड प्रोसेस है, तेज़ी से सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -50 से +20 +30 तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये +20 +30 तक पहुंचेगा तो अब अंदर डिफ्यूज होकर आगे तक जाएंगे ना सोडियम आयन, तो आगे के जो चैनल हैं वहाँ का जैसे ही -55 होगा वहाँ के चैनल भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो माइलिन शीथ होने की वजह से सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस ट्रांसमिट नहीं होता, कंडक्ट नहीं होता है ना, वो एक जैसे उछल उछल के होता है ना, पहले डिफ्यूजन होगा फिर चैनल ओपन होंगे, फिर डिफ्यूजन होगा फिर चैनल ओपन होंगे, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो साल्टेटरी कंडक्शन की स्पीड नॉर्मल कंडक्शन से या कंटिन्यूस कंडक्शन से
फास्ट होती है ना, तो जहाँ पे हमें फास्ट सिग्नल कंडक्ट करना होता है वहाँ पे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को रखते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही ये प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी और लीकी के प्लस चैनल ऑलवेज क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो ये तो आगे ट्रांसमिट होता रहता है वोल्टेज, लेकिन पीछे से वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल क्या होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं और के प्लस बाहर जाता रहेगा तो पीछे तो वापस से -90 पहुंचता रहेगा ना, सेल क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। और आगे जैसे ही टर्मिनल वाले पोर्शन पर +20 पहुंचेगा तो वहाँ पर वोल्टेज गेटेड सी ए प्लस टू चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम प्लस टू आएगा अंदर, और जब जब कैल्शियम सेल के अंदर आया है तो उसने क्या करवाया है, एक्जोसाइटोसिस करवाया है। तो बेसाइकल के अंदर, जो सिनेप्टिक बेसाइकल के अंदर क्या पैक था, न्यूरोट्रांसमीटर पैक था, उसमें एसिटिल कोलिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और रिलीज कहाँ पे होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज होकर पहुँचेगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे वापस से वही लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होंगे, उनको किया जाएगा ओपन और वापस से पूरी प्रोसेस वही चलेगी जो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। अब जो एक नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, जो आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, एसिटिल कोलिन जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे पहुँचता है तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद में उसको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जो एसिटिल कोलिन को क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन में डिग्रेड कर देगा और इन दोनों को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एक अपने पास में केमिकल होता है मेलाथियोन पैराथियोन डीआईपीएफ और सरीन है ना, उसको नर्व गैस भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक बार अगर कोई सिग्नलिंग चल रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी ना, प्रोलॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अब जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिग्रेड नहीं होगा। ऐसे ही आपको ये एट्रोपा बेलाडोना धतूरा की प्रोसेस बताई थी कैसे काम करता है, तो एट्रोपा बेलाडोना जो होता है वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है, जिससे कि सिग्नल इनहिबिट नहीं हो पाता है ना, एंटागोनिस्ट टाइप का होता है, समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर उसके बाद में ये उस एक ही क्लास में हो गया था इतना, तो फिर दूसरी क्लास में हमने देखा था, दो क्लास में हो गया था शायद इतना है ना, दो क्लास में इतना ही हुआ था, फिर उसके बाद में तो आज वाली क्लास हुई थी, फिर आज वाली क्लास में आपको एक तो अभी ये पढ़ाया ना ऑल और नॉन प्रिंसिपल, उससे पहले आपको पढ़ाया था कुछ ड्रग्स पढ़ाए थे, जैसे उसमें बोबेन और डिजिटेलिस पढ़ाया, क्या काम करता है, एन ए प्लस के प्लस पंप में डी फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देता है। दूसरा होता है आपका पेलीटॉक्सिन, जो क्या करता है, एन ए प्लस पंप को चैनल में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद में आपको ये पांच नाम आज लिखाए थे ना, टेट्रोटॉक्सिन जो कि पफर फिश से मिलता है, ये क्या करता है, एन ए प्लस चैनल को क्लोज कर देता है। और दूसरा था आपका सेक्सीटॉक्सिन, ये क्या करेगा, ये भी ब्लॉक करेगा। तीसरा था आपका बीराट्रिडिन और बाट्राकोटॉक्सिन, ये क्या करता है, ओपन रखता है एन ए प्लस चैनल को। और लास्ट में था डेंड्रोटॉक्सिन, ये एन ए के प्लस चैनल को क्लोज कर देता है ना, तो इतना था। उसके बाद में फिर आपको वोल्टेज पोटेंशियल कैसे चेंज होता है उसका ग्राफ बताया, तो ग्राफ में ये बताया सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद में हाइपरपोलराइजेशन होगा, फिर सेल को वापस से रीपोलराइज कर देते हैं, कौन सा चैनल कब ओपन होता है ये सब आपको बता दिया। अब एक तो ड्रग की प्रेजेंस में ग्राफ देगा, एक ड्रग की एब्सेंस में ग्राफ देगा, इतना सा होता है। अब कितना टाइम लगा नया, 9 मिनट लगे, आप बोल रहे थे, आप तो बोल रहे आधा घंटा लगेगा, अरे इतना टाइम मेरे को लगा इतना ही आपको लगेगा, मैंने तो बोल किसने, आपको कौन सा बोलना है घर पे आपको तो बोलना भी नहीं है, मन मन में तो रिवाइज करना है बस। तो एक्चुअल में तो जो है ना चीज़ें बहुत आसान है, अब इसको दो दिन या ढाई दिन अपने को पढ़ने में लगा है, लेकिन अब एक बार समझ में आ गया तो ये घर पर जाके 10 मिनट का ही है। एक्चुअल में टाइम कब लगता है, जब आपको क्लास में समझ में नहीं आया हो तो पहले तो घर जाके उसको समझो, आत्मचिंतन करो कि ये स्टेप कैसे हुआ, फिर ये स्टेप कैसे हुआ, पहले तो घर पर जाके समझना पड़ता है, फिर वो याद करना पड़ता है, तब लगता है टाइम। अब घर पर जाके आपको समझना थोड़ी है कि ये कैसे आया था, समझ में तो आपको सब कुछ आ गया ना, अब तो आपको स्टेप याद रखने हैं बस, कि ये याद रह जाएगा नहीं रहेगा, इतनी सी बात है बस, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात, मन में हमेशा ये सोचा करो कि जो मेरे को याद हो सकता है वो आपको याद हो सकता है, जो मैं याद कर सकता हूँ वो आप याद कर सकते हो, क्योंकि याद करने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है ना, एक स्टूडेंट की ज़्यादा होती है।
अरे रियल बता रहा हूँ, जब हम 10th प्लस क्लास में थे ना, तो हमको ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते थे टीचर। हमारे टीचर बहुत खतरनाक थे उस टाइम पे, ऐसे पूछते थे जैसे सामाजिक विज्ञान है तो कल 2 नंबर का चैप्टर याद करके आना है, तो क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं आने हैं, एक तरफ से सुनाना है पूरा। हाँ पूरा चैप्टर सुनाना है एक तरफ से सुनाना स्टार्ट करो फर्स्ट लाइन से और पूरा सुनाना है। और टीचर भी हमारे ऐसे ही थे, जैसे इंग्लिश वगैरह पढ़ाने के लिए आते ना तो बुक लेके नहीं आते, बिना बुक के पढ़ा देते, मतलब उनको वो लाइन ही रटकी पूरी है ना, तो वो ही काम हमसे करवाते वो। और पर उसका ये है, थोड़ा फ़ायदा ये भी मिला कि कुछ सीख गए ना उनके चक्कर में, नहीं तो जैसे याद नहीं करवाते, जैसे आज की चीज़ें याद नहीं रहती, अब मेरे को 9th, 10th, 11th, 12th की कुछ भी पूछ लो मेरे को याद रहता है, लेकिन अब की याद नहीं रहती है ना, अब की 2 दिन याद रहती है, तीसरे दिन भूल जाते हैं ना। पहले वो दिमाग भी होता है उस टाइम पर स्टूडेंट लाइफ में, धीरे धीरे जैसे एज होती जाती है फिर आपकी कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने की पावर बढ़ती जाती है और रटने वाली पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। और कुल मिला के चलो कैसे भी थे, मतलब सारे टीचर अच्छे थे, और आज हम जो स्कूल लेवल पे जितने भी टीचर ने पढ़ाया वो सब के सब गवर्नमेंट जॉब लग गए ना, जिन्होंने भी पढ़ाया हमको, और तो और नीट की कोचिंग पढ़ाया वो भी लग गए गवर्नमेंट जॉब, तो कुल मिला के ठीक ठाक रहा है ना अपना स्कूल लाइफ। और 9th, 10th, 11th, 12th में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दिक्कत बहुत कम हो जाती है ना आगे जाके। और अगर आपने नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर ली है तो और भी थोड़ी उसमें हेल्प मिल जाती है। तो इसको तो कर देते हैं कट अप है ना, इसमें तो इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कितने GB की बन गई है?